अगर नो बॉल होता है तो वहाँ पर तो फ्री हिट हमें देखने को मिलता है, लेकिन नो बॉल में अगर बोल्ड आउट या फिर कैच आउट होता है तो क्या हम आउट देखते हैं? जी नहीं। लेकिन नो बॉल में कहाँ पर हम देखते हैं आउट हो जाता है? रन आउट पे। लेकिन क्या आप जानते हैं रन आउट के अलावा भी कुछ ऐसे आउट के तकनीक होते हैं जहाँ पर नो बॉल में भी आउट करार दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। नो बॉल में आउट होगा या नहीं होगा, इसको लेकर आईसीसी का अलग से क्रिकेट रूल है और क्रिकेट रूल बुक में ये लिखा हुआ है। आईसीसी के ये जो लॉ है, ये लॉ 24.16 में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा गया है कि किस सिचुएशन पे नो बॉल पे बैट्समैन आउट हो सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मुख्य रीजन क्या है। आईसीसी के लॉ के मुताबिक कोई भी बैट्समैन आउट करार दिया जाएगा उस आउट टेक्निक पे, जिस टेक्निक में वो जो आउट होता वो आउट बॉलर के खाते में नहीं जाता है। क्या समझ में नहीं आया? विस्तार से बताते हैं। कोई भी बॉलर अगर बॉल करके कोई प्लेयर को रन आउट कर देते हैं तो क्या वो रन आउट का विकेट बॉलर के खाते में जाता है? जी नहीं, ये तो नहीं जाता है। तो आईसीसी के लॉ के मुताबिक ऐसे ही जो सब आउट है वो आउट नो बॉल में भी करार दिया जाएगा, यानी बॉलर के खाते में ना जाने वाले आउट नो बॉल में आउट करार दिया जाएगा, जैसे कि रन आउट है। और क्या क्या है? क्रिकेट लॉ 33 में लिखा हुआ है, हैंडल द बॉल। जी हाँ, मान लीजिए कोई प्लेयर बॉल को स्टॉप करते हैं या फिर बॉल इन प्ले है तब बॉल को हाथ से उठाते हैं, या फिर बैट में बॉल लगने के बाद हाथ से उस बॉल का गति रोकते हैं या मूवमेंट रोकते हैं, तो ऐसा जो आउट होता है ये आउट नो बॉल में भी दिया जाएगा, क्योंकि ये आउट बॉलर के खाते में नहीं जाता है। इसके बाद लॉ 34 में लिखा हुआ है कि हिट द बॉल ट्वाइस। बैटिंग करते वक्त बॉलर से निकला हुआ बॉल कोई बैट्समैन अगर एक बार स्ट्रोक करता है, उसके बाद इंटेंशनली दोबारा स्ट्रोक करके वो बॉल मारता है, तो ये हिट द बॉल ट्वाइस होता है। या फिर कोई बॉलर बॉल करने के बाद बैट्समैन शॉट मारते हैं और वो शॉट किसी फील्डर या फिर वो बॉलर के पास वापस आते हैं, फिर वो बॉल फील्डर अगर विकेट की ओर मारते हैं या फिर नॉर्मली छोड़ते हैं, और वो बॉल अगर वो बैट्समैन फिर से बैट से स्टॉप करते हैं, तो इसे हिट द बॉल ट्वाइस कहा जाता है और ये आउट भी नो बॉल पे जायज है। इसके बाद आते हैं लॉ 37 में, वहां पर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ये जो हिट द बॉल ट्वाइस के दूसरे भाग मैंने आपको बताया वो भी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के हिस्सा है। कोई फील्डर अगर विकेट की ओर बॉल थ्रो करता है, बैट्समैन अगर इंटेंशनली बैट को रोकते हैं अपने बॉडी से या फिर अपने हाथ से या फिर अपने बैट से, तो इसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कहा जाता है। या फिर कोई फील्डर बॉल फेंकना चाह रहा है पिच के पास ही, और रनिंग बिटवीन द विकेट के दौरान कोई बैट्समैन अगर इंटेंशनली बॉलर को धक्कम धक्की करते हैं या फिर फील्डर को धक्कम धक्की करते हैं और उसे थ्रो नहीं करने देता है, तो ये भी ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड ही होता है और ये जो आउट होगा ये आउट भी नो बॉल पे जायज है। और इसके बाद लॉ 38 में लिखा हुआ है, रन आउट जो होता है वो भी नो बॉल पे होगा। तो दोस्तों आपको क्या ये पता था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और ये भी लिखिए क्रिकेट के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपको मीठे मीठे कॉमेंट का।